हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है एयरपोर्ट की तरफ से, CSA यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। बम्पर नंबर की सीट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो, एयरपोर्ट के अंदर CSA की जॉब करना चाहते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, तो डिटेल में मैं बताऊंगी, तो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, एयरपोर्ट के अंदर CSA की रिक्रूटमेंट आई है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की। तो टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात कर ले, टोटल पोस्ट है आपका 1284। अप्लाई डेट अगर बात करें तो आपका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 12 दिसंबर 2023 से, लास्ट डेट टू अप्लाई 31st मार्च 2024 रहने वाला है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जितना जल्दी हो कर देना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसका जो फी पेमेंट होता है उसका लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2024। चलिए अब देख लेते हैं एज लिमिट आपका कब से कैलकुलेट होगा। योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जुलाई 2024, मतलब 1 जुलाई 2024 के अनुसार मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल, 18 to 27 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट्स हो आप सब इसके लिए एलिजिबल हो। रिलैक्सेशन भी मिलता है, OBC को 3 ईयर्स का, SC ST को मिलता है 5 ईयर्स का। अब रही बात की फॉर्म में अप्लाई करते टाइम फी क्या लिया जाएगा, आपका फॉर्म चार्ज जो है ना 410 रुपीज है ऑल कैटेगरीज के लिए। क्वालिफिकेशन इज वेरी सिंपल, ओनली 10th पास आउट, मतलब जिन्होंने भी 10+2 पास आउट कर रखा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, डजंट मैटर आर्ट, साइंस या कॉमर्स है, कोई सा भी परसेंटेज है, बस पास हो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए ये तो बेसिक जानकारी थी, आप देख लेते कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम। एज यूजुअल नॉर्मली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करोगे, देन आपका सिंपल सा एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए भाई हम लोग देख लेते कि एग्जाम की पैटर्न क्या रहने वाली है। आपका जो पेपर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑनलाइन होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए, टाइम आपका 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/4 जो कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, थर्ड सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसके भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, एंड लास्टली आपका जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, समय आपको बताया कि 1.5 घंटे का होगा। और इसमें एक मिनिमम पासिंग मार्क्स भी, किन बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जिन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% लाया होगा, उससे ऊपर जो भी कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, उस समय आपका जो है सैलरी वगैरह डिसाइड होगा, या फिर आप क्या इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं, इंटरव्यू के बेसिस पे भी डिसाइड होगा। सो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। आपका जो ये फॉर्म आप अप्लाई करोगे उस टाइम ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम सेंटर है, जहां चूज करोगे नियर बाय सिटी में एग्जाम सेंटर देगा। जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया के लिए है, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब जॉब करोगे सैलरी क्या मिलेगी मैं बता देती हूँ। आपकी जो सैलरी होती है ना स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ की 13,000 to 25,000 rupees होती है, मतलब कि आपका 13,000 to 25,000 के बीच में आपको मिलेगा, लेकिन ये सैलरी आपकी जो इंटरव्यू होगी ना उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। और बाद में ये सैलरी आपको, मान लो कि फर्स्ट आपको फर्स्ट मंथ 25,000 मिला, बाद में प्रमोशंस होंगे, पर्स अलाउंसेस मिलेगा, तो उसके बाद आपकी सैलरी जो है 25,000 से लेके हो जाएगी 80,000 के अप्रोक्स। जैसे जैसे आप काम करोगे तो वहां पर सैलरी भी इंक्रीज होती है। आई होप कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा।
और अगर जो आज मैंने आपको बताया है एयरपोर्ट न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, उसमें कहीं पर भी कोई डाउट, मन में कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना। और इसका जो नोटिफिकेशन है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तीनों ही का लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी जाके फॉलो कर लेना आप। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।